क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, क्रिस क्रॉस यानी चेहरा है, यानी कि रिंकल
अश्रव्य, यानी कि जो सुनाई ना दे,
वसुंधरा थी किसकी तरह थी, किसी तरह थी विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब कि पर्वतों में, पर्वतों में जो सर्दियों में जो लैंडस्केप होता है, भूदृश्य होता है, उस भूदृश्य की तरह वो बिल्कुल दिखती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी कि एक एक्सपांस था, बिखराव था, और प्योर वाइट एकदम शुद्ध सफेद, सेरेनिटी मतलब पवित्रता का, किसका था, पवित्रता का। यानी कि अब यहाँ मोनोटोनस, इसको बोला जाएगा मोनोटोनस, मोनोटोनस।
आप ब्रेकफास्ट को डिफाइन करें यहाँ पर कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट कैसा होता था, थिक, थिक मतलब मोटी मोटी, स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी, स्टेल मतलब बासी, रात की बची हुई बासी, स्टेल मतलब बासी, मोटी स्टेल चपाती, बासी चपाती विद अ लिटिल बटर, उस पे थोड़ा सा मक्खन लगाया हुआ एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट, उस पर स्प्रेड मतलब फैली हुई, यानी मोटी बासी चपाती, उस पर क्या बिखरा हुआ होता था, क्या लगाया हुआ होता था, फैला हुआ होता था, चीनी और उस पर शुगर और लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन। एंड वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, शी कैरिड मतलब वो लेकर जाती थी, सेवरल मतलब कई, स्टेल चपातीज यानी कि बासी रोटियां, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अपने साथ जब मेरे साथ वो स्कूल जाती थी, जब हम स्कूल निकलते थे तो वो सेवरल चपातीज यानी कि कई चपातियां विद हर, कैरिड विद हर, अपने साथ लेकर जाती थी, इसके लिए फॉर विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने, ये जो पैराग्राफ्स हम लोगों ने वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं, और आप लोगों को ये पैराग्राफ्स जो हैं ये मेरे साथ पढ़ने के अलावा आप लोगों को मैं रोज कहती हूँ कि वापस उसको देखना है, आप लोगों को वापस उसको खुद सेल्फ पढ़ोगे, समझोगे,